हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग्स। एक बार फिर से जो है न्यू ब्लॉग्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है लखीसराय का नज़ारा दिखाने वाला हूँ छत पे से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं, मेरे पीछे एक जो है पोखर दिख रहा है। इस पोखर का नाम है सूरी मठ पोखर, और वहाँ जो आपको दिख रहा एक मतलब कि बड़ा बिल्डिंग जो दिख रहा है वो कॉलेज है, आरलाल कॉलेज लखीसराय का है। और देख सकते हैं कि छत पे से लखीसराय का नज़ारा आपको कैसा देखने को मिलता, अति सुंदर यार, ऑसम। देख सकते हैं बहुत गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। पोखर पीछे जो पोखर है, तालाब है, जिसको तालाब भी कहते हैं, और देख सकते हैं, और राउंड करके आपको दिखाता हूँ। अमेजिंग लुक दिख रहा, गजब का लुक दिख रहा। और मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, गजब है यार नज़ारा देखिए लखीसराय का। ऊपर अच्छे से जो है लखीसराय का नज़ारा कैसा दिखता, और इधर देखिए पूरा जो नेचुरल हरा भरा है, पूरा जो है मतलब कि पेड़ पौधा से हरा भरा है, और मतलब कि चिड़ियाँ सब जो है चहचहा रही है पौधा पे। इतना गजब का लुक है भाई, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो है लखीसराय का नज़ारा कैसा दिख रहा। अमेजिंग यार, अमेजिंग। और मैं पूरा आपको लखीसराय दिखाता हूँ। गजब का नज़ारा है यार, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो भाई लोग कमेंट में लिखिए कि आपको जो लखीसराय का नज़ारा कैसा देखने को मिल रहा, और पोखर का सुंदरता देखिए कितना मतलब कि ब्यूटीफुल पोखर लग रहा है। जैसा कि आपको जो है पीछे एक पहाड़ नजर आता होगा, जिसका कि ब्लॉग में जो है ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया। अगर उस पहाड़ का ब्लॉग नहीं देखे तो वीडियो के जो है आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते। बहुत मजा आता है मतलब कि पहाड़ पर घूमने में। हम लोग देख सकते हैं पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहा, यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर है पहाड़, और वहाँ दो पहाड़ी, एक जो है ब्लैक पहाड़ी है और एक जो है रेड पहाड़ी, मतलब कि लाली पहाड़ी और काली पहाड़ी बोला जाता है। अभी तक उसका ब्लॉग नहीं देखे तो जाके देख सकते मेरे चैनल पर। और भाई लोग, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है कल से, तो मैं जो है ब्लॉग चैनल पर ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगा। इसलिए आप लोगों को ये लास्ट ब्लॉग है। अब एक बार जो आपको 10 तारीख को ब्लॉग मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग लेकर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।